हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो आज अपना मैं जा रहा हूँ इस टाइम बैंक में। सुबह सुबह मैं हो चुका हूँ नहा के, मतलब अभी रेडी होना है। अभी मैं नहा के आया हूँ तो मुझे जाना बैंक में, फिर क्लास भी है। तो बस मैं भी उतना तैयार, तो दिखाते हैं आपको सब कुछ आज का रूटीन। ठीक है, तो गाइस अभी तैयार होके पूजा पाठ करके अभी मैं आ चुका हूँ किचन में कुछ खाने पीने के लिए। और पड़ी हुई है खीर, दाल भी पड़ी है, रोटियाँ भी पड़ी हैं, प्रसाद, मतलब प्रसाद भी पड़ा होगा थोड़ा बहुत। तो अभी भी ये सब खा पी के, और केले भी पड़े हैं, देखता हूँ क्या करना है। या सेक बना के चल निकलता हूँ फिलहाल, सेक बना के पी के, बाकी जो भी होगा दिखाता हूँ आपको। क्योंकि फिलहाल मैं खा रहा हूँ खीर। फिलहाल मैं खीर खा रहा हूँ, उसके बाद तो देखता हूँ थोड़ा सा सेक बना के पी के भी चलता हूँ, क्योंकि तो लेट हो रहा हूँ मैं भी। तो मैं बैठ चुका हूँ अपना मेट्रो में, मुंबई में, और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। मिलता हूँ आपको मैं से फोन पे, मुंबई को चल के। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ अपना कंबोई में से, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से पैदल। आपको पता ही है 5 मिनट का रास्ता है, 2 से 5 मिनट का। तो मैं आपको मिलूँगा अपना बैंक के बाहर ही। ठीक है, तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपना बैंक में, बैंक के बाहर। पीछे आप देख ही रहे हो, ये नोवो बैंक ही है। तो मैं जा रहा हूँ अंदर, तो मिलता हूँ आपको बाहर आने के बाद। देखते हैं क्या रहेगा आज, मैं खुलेगा अकाउंट, खुलेगा नहीं खुलेगा, तो बताता हूँ आपको आने के बाद। तो गाइस आज भी मेरे साथ क्लोज हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि आपको कल आना पड़ेगा सुबह 8:30 बजे, क्योंकि इस टाइम बहुत बंदे बैठे हैं वेटिंग में। और ये मुझे कह रहा है कि या तो आपको 3 बजे तक वेट करनी पड़ेगी, कि 3 बजे आपका नंबर लगेगा। तो बट मेरी क्लास है आज, तो मुझे कल ही आना पड़ेगा 8:30 बजे तक, क्योंकि तो इन्होंने अब लिखा है स्पेशल, मुझे पर्ची इन्होंने अपने पास रखी है, मेरी टाइमिंग लिखी है, मेरा नाम लिखा है, 8:30 बजे इन्होंने नंबर लगाया मेरा। तो मुझे कल ही आना पड़ेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ अपना घर पर, थोड़ी पहले घर पर जाएंगे अब, क्योंकि टाइम बहुत बड़ा, घर पर जाकर खाना वाना खा के फिर जाएंगे कोचिंग पे। तो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ बस की वेट, तो मिलते हैं आपको बस में बैठ के। ज़्यादा नहीं है तो निकल चुके हैं यहाँ से घर घर की तरफ। तो कहता हूँ आपको सफ़र, और मिलते हैं आपको फिर घर पे। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ बस में से, और अब मैं जा रहा हूँ पैदल। 2 मिनट का रास्ता यहाँ से घर तक का, जहाँ स्टॉप है। तो अब मैं मिलूँगा अपने घर पे, खा भी लेते हैं थोड़ा सा, और फिर कोचिंग में भी जाना है। फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपना कोचिंग के लिए, और बस वो आपको पता ही है कैसे जाता हूँ मैं। अभी मैं निकल चुका हूँ, और देखते हैं अगर बस टाइम से आ गई तो बस में, नहीं तो फिर पहले पैदल निकल जाएंगे, क्योंकि पहले पैदल फिर लगने 10 मिनट नहीं 20 मिनट, मतलब आगे बस स्टॉप से आगे। अगर बस टाइम पे आएगी तो वहीं जाके टाइम देखते हैं कितने पे आनी है। वैसे एक तो 1:46 पे है, उसके बाद फिर सीधा 2:15 पे है। अगर 1:46 वाली मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर पैदल पैदल निकल जाएंगे। तो
तो जैसे ही मैं एक बार बताऊँगा, इस टाइम मैं आ चुका हूँ अपनी मेन गली में, जो बक्सर मुंडेरा की मेन मार्केट वाली गली है, वहाँ आ चुका हूँ मैं। तो मैं मिलता हूँ आपको बस स्टॉप पर पहुँच के, बताता हूँ आप वहाँ से कैसे जाना कैसे नहीं। तो भाई मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ अपना बस स्टॉप पे, और उसके बाद डबल पहले पहुँच चुका हूँ। तो अभी देखते हैं, पता हूँ बस की वेट 1:45 में पहुँच चुका हूँ। तो देखते हैं, अभी अगर बस टाइम पे आ गए तो ठीक है, तो पहले पहले निकल जाएंगे। बाकी आज अपना टेस्ट भी है लैंग्वेज का, कि अब तक जो हमारा जो बेसिक का वो टेस्ट है, हमारे जो 6 लेवल है उनमें से 7 लेवल का जो टेस्ट है आज। तो देखते हैं कैसा रहेगा, तो मिलते हैं आपको। अगर वो सकते तो बस में, अगर पैदल जाऊँगा तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो हम वीडियो में ये सामने मेरे सामने बस तो सेट बना हुआ है, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ बस में से, बस टाइम पे आ गई। तो अब बस में जा रहा हूँ पैदल, 1-2 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो वहाँ देखते हैं कैसा टेस्ट रहेगा कैसा नहीं। तो मिलते हैं आपको लास्ट में जाने के बाद, अगर वीडियो बना पाए तो जरूर बनाऊंगा, फिर नहीं तो खा के मिलेंगे, बताएंगे तो कैसा नहीं। बाकी स्कूल अपने साइड में ये है, और एक इधर बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, स्कूल ही है अंदर, बड़ा कुछ दिख नहीं रहे होंगे बच्चे, ऐसे दिखे भी हैं तो आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। तो भाई हम हो चुके हैं फ्री क्लास से, और हम जा रहे हैं अपना घर की तरफ पैदल पैदल। साथ में भाई जी भी हैं, एक भाई अपने नेपाल के हैं, और बाकी टेस्ट जो हमारा हुआ बहुत अच्छा हुआ। सिर्फ मेरे 3 मार्क्स कटे हैं, वो भी एक स्पेलिंग के, क्योंकि जो स्पेलिंग में ऊपर है, जैसे एक ऊपर हल्का सा डंडा लगना होता है, इस चक्कर में 2-3 मार्क्स कटे हैं। मतलब ऑलमोस्ट सही था, ऑलमोस्ट सारा सही था। तो मिलते हैं आपको, मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल यहाँ से घर पे, एक भाई की छुट्टी है तो उनके साथ कहीं जाना है, तो उनके कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो मिलते हैं आपको घर पहुँच के। तो गाइस घर पहुंचने के बाद ना, हम जल्दी जल्दी में सीधा मेट्रो स्टेशन की तरफ आ गए थे, बट ट्रेन हो चुकी है लेट, तो भाई ने कर ली है ऊबर, तो हम जा रहे हैं ऊबर में। अभी ऊबर में आने में थोड़ा टाइम ले रही है, 1 किलोमीटर दूर है, और बस घर पहुंचते ही, क्योंकि जो टाइम था 20 मिनट थे हमारे पास, तो घर जाके अपने में थोड़ा कुछ खा पी के, बस मैं तम तभी निकल गए थे तो वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए मैं थोड़ा सीधा स्टेशन पे आ गया, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हम जाएंगे वो गाड़ी में यहाँ से अपना शिप स्टेशन तक, उसके बाद शिप में, फिर आगे हमने जाना है कोलंबिया मॉल, यहाँ जो लिस्बन का सबसे बड़ा मॉल है वो, ठीक है, तो हम वहीं जा रहे हैं, तो दिखाएंगे आपको। तो भाई हम उतर चुके हैं अपना ऊबर में से, और हम जा रहे हैं कॉन्टिनेंट की तरफ। बाकी आज हम मॉल में नहीं जा रहे क्योंकि लेट हो चुके थे, ट्रेन पता नहीं किस कारण से लेट हो रखी थी, तो अभी हम जा रहे हैं कॉन्टिनेंट में ऊपर। तो भाई तो मिलते हैं आपको अंदर चल कर आराम से, जब उसको सामान लेके दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं। तो
तो गाइस हम आ चुके हैं कॉन्टिनेंट से बाहर सामान लेके, सामान हर नीचे रखा हुआ है, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं वेट दोबारा फिर ऊबर की टैक्सी की। तो अब हम मिलते हैं आपको उसमें बैठ के, बाकी सामान मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा एक एक खोल के, क्योंकि अंदर जाके सामान जब लिया तो अनुवाद मर चुके थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, तो आपको घर जाके दिखाता हूँ सामान। तो गाइस हम ना जो मैंने सामान दिखा रहा हूँ आपको, ये जूस हो गया ठीक है, और भी इसमें चिकन है, बाकी ये और भी सामान है जो भी छोले वगैरह हो गए, अचार हो गया। तो गाइस अभी लग रहा तड़का ठीक है भाई, आज बनाएंगे इसमें तो से कम प्याज तो कम आज लाए, और भाई इसी में बनाने जा रहे हैं चिकन जो अभी लेके आए थे, तो हम तो अपने लिए साग लेके आए हैं, वो साग ही बनाएंगे तड़का। तो भाई इनका तो चिकन हो चुका है तैयार, उसने चला लिया हम पानी, और साग और हमारा भी साग हो चुका है और मस्त तैयार। तो हम खाते हैं साग को ठीक है, रोटी रोटी खाते हैं, आज की वीडियो में खत्म करते हैं ठीक है, तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट मतलब वीडियो में, चलिए बाय, गुड नाइट, गुड डे, टेक केयर।